फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश स्टडी पॉइंट। टुडे हियर इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज एंटोनोमेशिया। एंटोनोमेशिया इज अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ राइटर ट्राइज टू एड्रेस एनी काइंड ऑफ पर्सन बाय नॉट रेफरिंग हिम विद हिज रियल नेम। ही इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज रियल नेम ही ट्राइज टू एट्रीब्यूट दैट पर्टिकुलर पर्सन विद सम क्वालिटी दैट सूट्स हिज पर्सनालिटी। दिस इज कॉल्ड एज एंटोनोमेशिया। तो अगर राइटर किसी भी पर्सन के बारे में बात कर रहा है अपने वर्क्स में, तो वो उस पर्सन का रियल नाम नहीं लेगा, बल्कि उस पर्सन की पर्सनैलिटी से सूट करती हुई क्वालिटी से उसे बार बार एड्रेस करने की कोशिश करेगा अपने वर्क्स में। दिस इज कॉल्ड एज antonomasia. Now it is very important for you to know why antonomasia as a figure of speech is used by writers in their works. First of all, writer wants to prevent any kind of repetition of words in his works. That is why he uses antonomasia. तो writer यहाँ पर क्या करना चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि बार बार same words repeat हो। इस repetition को avoid करने के लिए वो antonomasia का use करता है। तो अगर मैं Shakespeare के बारे में बात कर रही हूँ, तो अगर मैं sentence भी form करूँगी तो बार बार मैं Shakespeare नहीं लिख सकती। मुझे Shakespeare की जगह उसकी quality से relate करती हुई, यानी उस Shakespeare की personality से relate करती हुई qualities से Shakespeare को refer करना पड़ेगा। मैं बार बार Shakespeare का proper नाम सेंटेंसेस में मेंशन नहीं कर सकती। सो इट साउंड्स वेरी बोरिंग। दैट इज व्हाई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स राइटर यूजेस एंटोनोमेशिया एज अ फिगर ऑफ स्पीच। एंड अनदर मेन रीजन इज दैट दैट राइटर वांट्स टू ब्रिंग वैरायटी व्हाइल सेलेक्टिंग वर्ड्स। तो राइटर वैरायटी लाना चाहता है। जब भी वो वर्ड्स को सेलेक्ट करता है लिखने के लिए, तो राइटर को वैरायटी चाहिए होती है। वो बार बार सेम वर्ड्स को रिपीट नहीं कर सकता, तो एक वैरायटी लाने के लिए भी एंटोनोमेशिया का यूज किया जाता है। एंड अगर हम किसी पर्सन को उसकी रोल या फिर उसकी फील्ड के लिए हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी पर्सनालिटी से सूट करती हुई क्वालिटी से उसे बार बार रेफर करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, इससे वैरायटी जो है रिफ्लेक्ट होकर आएगी किसी भी वर्क में। इससे किसी भी तरीके की रिपीटेशन नहीं हो पाएगी एंड कहीं ना कहीं यूनिकनेस क्रिएट होगी। दैट इज़ वाई एंटोनोमेशिया इज यूज्ड। ऑल्सो अगर हमें किसी पर्सन को सिग्निफाई करना है मेमोरेबल वे में, तब भी एंटोनोमेशिया का यूज़ किया जाता है। एंड बहुत अच्छा एग्जांपल एंटोनोमेशिया का ये भी है कि अगर हम शेक्सपियर को रेफ़र कर रहे हैं, तो हम शेक्सपियर का नाम बार बार ना लिखकर उसे इस तरीके से भी रेफ़र कर सकते हैं कि बार्ड ऑफ एवॉन। तो शेक्सपियर का यहाँ पर नाम भी नहीं आया, बल्कि हमने उसकी पर्सनैलिटी से सूट करती हुई क्वालिटी को यहाँ पर लाने की कोशिश की कि शेक्सपियर इज़ बार्ड ऑफ एवॉन। तो मैं यहाँ पर शेक्सपियर नहीं लिखूंगी, अगर मैं सेंटेंस भी फॉर्म करूंगी तो मैं बार्ड ऑफ एवॉन से कुछ सेंटेंस फॉर्म करूंगी। देन अगर मैं हिटलर को डायरेक्टली रेफर ना करके मैं टायरेंट बार बार सेंटेंस में मेंशन करने की कोशिश करूंगी, तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि मैंने एंटोनोमेशिया को फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर यूज़ किया। एंड ऑल्सो इससे हमारी जो मैं लिख रही हूँ, लिखना चाह रही हूँ, तो जो मेरी लिखने का तरीका होगा वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा रीडर्स के लिए। सो दिस इज द मेन रीजन वाई एंटोनोमेशिया इज यूज एज अ फिगर ऑफ स्पीच। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस फिगर ऑफ स्पीच इन अ मोर इलेबोरेटिव वे। एंटोनोमेशिया इज अ डेरिवेटिव ऑफ द ग्रीक टर्म। तो ये एंटोनोमेशिया ये कहाँ से डराइव हुआ है, एक ग्रीक टर्म एंटोनोमेजियन से डराइव हुआ है। बाद में जाके इसका नाम एंटोनोमेशिया पड़ जाता है, जो कि एक लैटिन टर्म है। देन इट कंप्राइजेस टू ग्रेशियन टर्म। एंटी का यहाँ पर मतलब है अगेंस्ट या फिर इंस्टेड, यानी प्रॉपर नाम किसी चीज़ का ना लेकर हम उस पर्सन को अगर एट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उस पर्सन की पर्सनैलिटी से सूट करती हुई क्वालिटी से हम एट्रीब्यूट करेंगे। बार बार हम सेंटेंसेस में शेक्सपियर मेंशन नहीं कर सकते। एंड ओनोमा मीन्स नेम। Then it is a figure of speech that replaces the name of a person. तो ये इसमें क्या होता है कि एक इंसान का real नाम जो होता है वो replace हो जाता है, उसकी जगह उसी के substitute में किसी word या फिर phrase को mention किया जाता है जो उसकी personality से suit करता है। यानी यहाँ पर word का मतलब है कि उस person को कोई quality से attribute करना जो कि उसकी personality से, यानी पर्सनालिटी में fit बैठता है या फिर suit करता है। Then this phrase or word is based on some quality of that person. मैंने अभी कहा कि ये जो फ्रेज हम उस पर्सन के लिए यूज़ करेंगे या फिर कोई वर्ड हम उस पर्सन से के लिए यूज़ करेंगे, तो ये वर्ड और फ्रेज भी उस पर्सन की क्वालिटी से रिलेट करता हुआ होना चाहिए। जैसे शेक्सपियर को हम रेफर करेंगे, शेक्सपियर ना लिखकर बार्ड ऑफ एवन लिख देते हैं, तो ये क्या है, ये एंटोनोमेशिया है। देन दिस फ्रेज और वर्ड इज बेस्ड ऑन सम क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन। इट हैज़ बीन इन यूज, यानी इस पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच एंटोनोमेशिया का यूज़ किया जा रहा है 16th सेंचुरी से ही, एंड हैज़ बिकम क्वाइट पॉपुलर अंटिल द विक्टोरियन एज। एंड विक्टोरियन एज तक ये पॉपुलर रही। देन रीजन्स, अब रीजन्स जानने जरूरी है कि एंटोनोमेशिया का क्यों यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज एज अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग रिपीटिशन, कि किसी भी तरीके की रिपीटिशन, यानी वर्ड्स बार बार रिपीट ना हो, तो इसलिए एंटोनोमेशिया का यूज़ किया जाता है। यानी वर्ड्स के अंदर बार बार अगर हम उस पर्सन के बारे में लिख रहे हैं, तो उस पर्सन की क्वालिटी से, पर्सनालिटी से रिलेट करती हुई क्वालिटी से हम बार बार उसे एसोसिएट करेंगे। बार बार हम शेक्सपियर नहीं लिख सकते। वाइल राइटिंग एन ऑथर माइट वेरी अप इन द यूज़ ऑफ वर्ड्स, कि अगर किसी के भी बारे में हम लिख रहे हैं, उसकी लाइफ के बारे में भी लिख रहे हैं, तो हमें अपने वर्ड्स के सिलेक्शन के अंदर वैरायटी लानी होगी। अगर हम उसे डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, तो हमें कुछ वर्ड्स सेलेक्टिव वे में चूज़ करने होंगे, जिसके थ्रू हमारी राइटिंग के अंदर वैरायटी दिखे, वेरिएशंस आ पाए। देन
टू शो रिस्पेक्ट फॉर समवन्स रोल इन देयर फील्ड. हम किसी भी पर्सन को अगर रिस्पेक्ट भी करना चाहते हैं उसके रोल के लिए या फिर उसके फील्ड या फिर प्रोफेशन के लिए, तब भी एंटोनोमेशिया का यूज़ किया जाता है. तो बार्ड ऑफ एवॉन ये क्या है कि हम शेक्सपियर के लिए रेफर कर रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए इस तरीके की फ्रेज का यूज़ कर रहे हैं. एंड ये फ्रेज बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी से रिलेट करती है. सिग्निफाई इट इन अ मेमोरेबल वे. अगर हम किसी को मेमोरीज यानी मेमोरेबल वे में याद कर रहे हैं तब भी हम एंटोनोमेशिया का यूज़ करते हैं. और मेक राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग टू रीड. अगर हम बार बार चीज़ों में वेरिएशंस लाएंगे तो इससे पढ़ने वाले रीडर्स को चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी. अगर बार बार उसी चीज़ को हम रिपीट करते रहे तो इससे क्या होगा, बोरिंगनेस क्रिएट होगी, जिससे क्या होगा, रीडर्स का इंटरेस्ट लूज होता चला जाएगा. देन फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम शेक्सपियर को अगर रेफर करते हैं तो द बार्ड का यूज़ करते हैं. एंड हिटलर को अगर हम किसी भी टायरेंट पर्सनालिटी को रेफर करते हैं तो हम ज़रूर उसे हिटलर से एट्रीब्यूट करते हैं कि ये अगर टायरेंट इंसान है तो बिल्कुल ये हिटलर की तरह होगा. देन द महात्मा. द महात्मा हम किसको कहने के लिए रेफर करते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी को. देन द मास्टर ऑफ सस्पेंस. इस फ्रेज को हम रेफर करते हैं अल्फ्रेड हिचकॉक के लिए. तो ये क्या है, ये इनकी ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि इनकी पर्सनालिटी से फिट बैठती हैं, तो इस चीज़ से हम उन्हें रेफर करते हैं. एंड जिसमें हम प्रॉपर नाम का इनके रियल नेम्स का यूज़ नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है, वेरिएशंस रिफ्लेक्ट होकर आती है हमारी राइटिंग्स में. देन विद दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर एंड्स हियर. होप दिस वीडियो लेक्चर विल हेल्प यू इन योर यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स.